साल 16 दिसंबर 1971, एक ऐसा दिन जो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो गया, जब दुनिया के नक्शे में एक नए देश का उदय हुआ और इस नए देश के उदय का कारण बना भारत, जिसे बनवाकर भारत ने पूरी दुनिया में अपनी ताकत का परिचय दे दिया। साल 1970 में, यानी कि अभी से 53 साल पहले, बांग्लादेशी नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी सेना ने एक क्रांति का आगाज किया। उस क्रांति में मुजीबुर रहमान को साथ मिला था भारत का। 13 दिनों तक चले इस संघर्ष में मुक्ति वाहिनी सेना और भारतीय सेना ने अदम साहस का परिचय दिया था। दोनों सेना ने मिलकर पाकिस्तान की कमर में ऐसी चोट की कि पाकिस्तानी सेना को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये पहला ऐसा मौका था जब बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया और ये तारीख थी 16 दिसंबर 1971। जी हाँ, 16 दिसंबर 1971, ये वो तारीख थी जब बांग्लादेश नया देश बनकर दुनिया के नक्शे में पहली बार नजर आया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल की कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है साल 1947 से, जब भारत आजाद हुआ। देश दो हिस्सों में विभाजित हुआ, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। दोस्तों, विभाजन अंग्रेजों ने कुछ इस तरह से किया कि जो हमें सालों तक परेशानी देने वाला था, यानी कि पाकिस्तान को पूर्व और पश्चिम दो हिस्से दिए और बीच में भारत था। यानी कि नक्शे में आपको दिखाई दे रहे इस भाग को पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, जो आज के डेट में बांग्लादेश कहलाता है, और पूर्वी पाकिस्तान में बांग्लादेशी भाषी मुस्लिम बहुसंख्यक थे। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ही नए देश थे, इसीलिए 25 फरवरी 1948 को पाकिस्तानी संसद में भाषा की मान्यता को लेकर बहस हो रही थी। संसद सदस्यों ने उर्दू और अंग्रेजी के साथ साथ बांग्ला को भी आधिकारिक भाषा की मान्यता देने की बात की, लेकिन उस समय के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली खान ने बांग्लादेशी भाषा को मान्यता देने से साफ साफ मना कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और साथ में बांग्लादेशी भाषा का उन्होंने मजाक उड़ाया। बांग्लादेशी नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री का ये व्यवहार किसी आघात से कम नहीं था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी हुकूमत ने धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान पर कई तरह के जुल्म ढाने शुरू कर दिए। अब एक तरह से कहा जाए तो हालात ये हो गए कि मानो पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का गुलाम हो गया। यानी कि पूर्वी पाकिस्तान जो अंग्रेजों से तो आजाद हो गया, लेकिन अपने ही पश्चिमी पाकिस्तान का गुलाम हो गया। यही वो समय था जब पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों में पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति विद्रोह के अंकुर फूटने लगे थे। यही कहानी लगातार 3 दशकों तक चलती रही। इधर पश्चिमी पाकिस्तान का जुल्म और शोषण बढ़ने लगा, उधर पूर्वी पाकिस्तान में इसके प्रति रोष बढ़ने लगा। 1960 के दशक के मध्य में शेख मुजीबुर रहमान जैसे नेताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियों का सक्रिय रूप से विरोध करना शुरू कर दिया। जुल्म शोषण के खिलाफ इस लड़ाई में पूर्वी पाकिस्तानियों को भारत का भरपूर सहयोग भी मिला। अब चूंकि ये पाकिस्तान का इंटरनल मैटर था, इसलिए भारत खुलेआम इस पूर्वी पाकिस्तान का सहयोग नहीं कर सकता था, लेकिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की क्रांति को अप्रत्यक्ष रूप से मदद करनी शुरू कर दी, और इसके लिए लॉन्च किया गया ऑपरेशन जैकपॉट। इसके फलस्वरूप भारत ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ गोरिल्ला युद्ध में लगे मुक्ति वाहिनी सेनानियों की भर्ती करने, प्रशिक्षण देने, हथियारों की आपूर्ति करने और सलाह देने का काम किया। आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में भड़की रोष की चिंगारी आग में बदल गई। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जुल्म और शोषण के खिलाफ मुक्ति संग्राम का सहस्त्र शंखनाद कर दिया, और इसके फलस्वरूप पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के मुकाबले कमजोर था, लेकिन शेख मुजीबुर रहमान ने भारत से मदद मांगी, और उस समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक श्रेष्ठ पड़ोसी की भूमिका निभाई और पूर्वी पाकिस्तान को मदद भेजी। भारतीय सेना बल और संसाधनों ने मुक्ति वाहिनी सेना को एक नई ऊर्जा से भर दिया। इसके बाद क्या था, पाकिस्तानी सेना को सभी मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ी। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी के बहादुरी के आगे पाकिस्तान की सेना ज्यादा दिनों तक टिक नहीं सकी, और मात्र 13 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान की सेना ने हथियार डाल दिए, और 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर कर दिए। जनरल नियाजी ने करीबन 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ढाका में भारतीय सेना के सामने
बिना शर्त समर्पण कर दिया। इस समर्पण ने दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के रूप में नई लकीर खींच दी और उन लकीरों ने दक्षिण एशिया के इतिहास और भू राजनीतिक दृश्य को बदल कर रख दिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी बांग्लादेश की। हमारी भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस एक प्रयास ने भारत और बांग्लादेश के बीच की दोस्ती को अमर कर दिया। खैर दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए दिलचस्प कहानियों के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। हम इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे।